अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सती हुलों का उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवास सुमति के संगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा कहाँ गए हमें, कहाँ गए? बंद हो गई। देखो आपका कुछ नहीं करना, बता रहे हैं हम अकेले नहीं है, हमें साथ स्वयं हनुमान जी है, वो तो कबूतर सो देंगे, बता रहे हैं अपनी पूंछी गोल गोल जोर से घुमाएंगे, कहीं पटक देंगे। कैसी हैं बबली देवी? शिवा हम फाइन नहीं है, तुम कैसे हो शिवा? हम बहुत नाराज हैं तुमसे। काहे? तुमने हमारी बात नहीं मानी ना। कौन सी बात शिवा? उस दिन जब हमने तुम्हें फ्रिज के अंदर घुसाया था, तब हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारी माफी तभी मिलेगी जब तुम अपना सच अपने मुंह से सबके सामने बताओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया ना। शिवा वो हम ना उस सही मौके और सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब गुनाह कर रही थी तब तुम्हें नहीं दिखा, तब तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया? जब तुम हमारी और हमारी माँ की जान लेने जा रही थी तब तुम्हें कोई समय का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जब गुनाह को कबूल करने का वक्त आया है तब सारे मौके याद आ रहे हैं तुम्हें, लेकिन अब वो मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। काहे? क्योंकि तुम वो मौका गवा चुकी हो बबली देवी। मौका गवा चुके काहे? काहे सिवा? क्योंकि हमारा दिया हुआ मौका तुम खो चुकी हो बबली देवी, अब तुम हमारे साथ नर्क की आग में जलोगी, गर्म तेल की नदी में बहोगी, तड़प तड़प कर चिल्लाओगी। हमने कभी तुम्हारे और रानव के बीच में फर्क नहीं किया। झूठ पर झूठ फिर झूठ बोले जा रही हो तुम, झूठ बोलने से कभी बात नहीं आओगी ना। आप सबके सामने सच बताएंगे, वादा करते हैं हम तुमसे, लेकिन रुके ना, आपका चिंता रखो ना, जिंदा ही नहीं रहेगी तो किसी को कहां बता पाएंगे। तो लगता है हम बुरा सपना देख रहे हैं, हम बहुत ही बुरा सपना देख रहे हैं। शिवा हमारे सामने सामने खड़ा है। राणा हम तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं, तुमने दिया था क्या मौका मेरी माँ को? तुमने बरसों तक उसे इसी घर के तहखाने में बंद रखा और उस पर जुल्म ढाती रही, याद आया? तुमने तो पल्लवी जी को भी मौका नहीं दिया, जबकि वो बेचारी तो सिर्फ अपने पति के साथ एक खुशनुमा जिंदगी गुजारना चाहती थी। इस घर में कदम रखने से लेकर आज तक उनकी जिंदगी को मुश्किल और ज्यादा मुश्किल बनाती रही हो तुम। उस बेचारी को तुमने अपनी बहुरानी बनने का सपना दिखाया, लेकिन असल में घर की नौकरानी बनाया, याद आया? चुन चिड़िया बनके चुन चुन के ये चावल से कंकर चुनो, ये अच्छे से धो देना। माँ बाप तक को नहीं बख्शा उनके, उन्हें कई बार नीचा दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था, बस इसलिए। अभी कहाँ बबली देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिवा, बड़ी गलती कर बैठे आप। बबली देवी अभी अंत नहीं हुआ है, वैसे तो पल्लवी जी की जिंदगी को नरक बनाने के लिए तुम ही काफी थी, लेकिन तुम्हें चैन नहीं आया तो तुमने पवित्रा को अपने साथ मिला लिया बहू बनाने का लालच देकर। नहीं नहीं, ये इल्जाम हम अपने सर पे नहीं लेंगे शिवा, बता रहे हैं हमने पवित्रा को कौन सपने नहीं दिखाए, अर्णव को अपना पति बनाने का सपना वो पहले से ही अपने आंखों में बसा के घर में आई थी,
और पल्लवी की ओर। उनके दिल में जो नफरत की आग है वो पहले से ही जल रही थी, आपने कछु नहीं किया। माना बबली देवी, लेकिन उस हवा को तो तुम्ही ने भड़काया ना। अब तुम देखना हम कैसे तुमका अर्णव के करीब ले आएंगे। उसके बाद पवित्रा भी तुम्हारे साथ मिलकर पल्लवी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में जुट गई और उसे अर्णव के करीब लाती गई, और अब दोनों की शादी भी करवाने जा रही हो। तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा बबली देवी। नहीं नहीं, हम शादी नहीं करवाएंगे। यहाँ पारा करते तुमसे हम शादी नहीं करवाएंगे दोनों की। हम अम्मा कसम खा के कहते हम नहीं करवाएंगे शादी, हम नहीं करवाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। शिवा कुछ कहने की जरूरत ना है बबली। ठीक सुना आपने, जिंदगी में पहली बार हमने आपको बबली देवी ना कह के बबली कही के पुकारा होगा। कहा है ना, अब आपके नाम के साथ देवी शब्द लगाकर उस शब्द का अपमान नहीं करना चाहते हम, उस शब्द की गरिमा को और नहीं गिराना चाहते हम। अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया, अपने बेटे की जिंदगी को नरक बना दिया आपने। अरे सिया राम जैसी जोड़ी थी अर्णव और पल्लवी की, और आप तो कैकई से भी पढ़कर पत्थर निकली। राम को तो यही रोक लिया और भेज दिया सीता को वन में 8 महीने के लिए। कहा कुछ नहीं गुजरी इस पर उन 8 महीनों में, सोचा आपने कभी? सब आपकी वजह से बबले। और शिवा, पल्लवी ने हमें हमारी भूख का आभास कराया, हमें सही रास्ता दिखाया, और हमने शिवा को अपना मान लिया था दिल से। 4 दिन भी नहीं गुजार पाए वो अभागा बेटा अब हमारे साथ अपने पिता के साथ, और उसे मरवा दिया आपने अपने मतलब के लिए। कितना बड़ा जघन्य अपराध किया जानती भी है आप। अरे हमें तो लगता है कि आप इस घर पर एक श्राप हैं, जो हम सब पर लगा है, ऐसा श्राप है आप। इतनी नफरत करती थी आप हमसे कि आपने खुद अपने हाथों से अपने पोते या पोती उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया। अब नहीं जानते थे तो वहां बनने वाली थी, लेकिन अब एक माँ तो थी ना मम्मी। आज तुम नीचे श्रुति की जगह मंडप में जाकर मुझ पर जो एहसान किए हो ना, वो मैं हमेशा याद रखूंगी बेटा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। मेरी माँ, आपको मेरी तड़प नजर नहीं आई? मैं पल्लवी के लिए रोता रहा, तड़पता रहा, इसके लिए धोखे का जख्म वक्त के साथ नासूर बन गया। वो रिश्ते जहर ने मेरी जिंदगी में मुझ में कड़वाहट भर दी थी मम्मी, वो धोखा जो पल्लवी ने कभी मुझे दिया ही नहीं था। आपको मुझ पे अपनी खुद की औलाद पे तरस नहीं आया? मम्मी जी, हमें उस वक्त ये सब नहीं पता था, लेकिन हमें जितना भी पता था हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं मम्मी जी की सही नहीं कर रही थी। लेकिन आपने पहले से हमें इतना डरा कर, इतना दबा के रखा कि हम आपके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए आज तक। हाँ मम्मी जी, की है हमने पल्लवी की मदद, लेकिन पल्लवी को जितनी हमारी जरूरत थी हम आपके डर की वजह से नहीं कर पाए। आपका डर हमारे अंदर इतना भरा हुआ था कि आज इतना सब होने के बावजूद भी हम एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आपके खिलाफ। लेकिन हाँ मम्मी जी, एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम आपसे, आप उसकी दादी है तब भी हम अपना बच्चा आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे, कभी भी नहीं।
नहीं, ऐसे हमें नहीं ना धुतकारी है, हम नहीं जानते हमने इस सब ऐसे काय किया। जिस दिन पल्लवी ने ही घर में कदम रखा, बहू बन के आई घर में, उस दिन से हमको लगा कि वो हमको हमले पिटवानों से दूर ले जाएगी। ये हमने पीड़ा दी और उस पीड़ा में हमारे दिल में पल्लवी के लिए नफरत की चिंगारी भड़की और समय के साथ वो भड़कते भड़कते ऐसी आग बन गई कि सब कुछ जला दिया। हमें बकोना नहीं चाहते थे, हमारा और कोई मकसद नहीं था, और कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ मम्मी, आपने अपने हाथों से अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि ये दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा मैं आप। प्यार करता था आपसे लेकिन नफरत करता हूँ अब। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है मम्मी। आई हेट यू, आई हेट यू। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। हमें पास कोई बहाना ही नहीं है, कोई सफाई भी नहीं है तुमका देने के लिए। केवल इतना ही दिल से कह सकते हैं कि हमने जो भी पल्लवी के साथ किया बहुत ही गलत किया। मुझे हजार कोशिशें की आपका सासू मां से मां बनाने की, लेकिन हमने की एक नहीं सुनी। उल्टा हमने एक कछु समझा ही नहीं, कछु नहीं समझा ना तुमका बिटिया। आप सबसे माफी मांगते और हम चाहते कि आप हमका माफी ना ही दो, हमका सजा दो हमारी हरकतों की। कहे कि आप वो सासु माँ है जिसने अपनी बहू की कदर कभी नहीं जानी। मम्मी जी, इतना सब कुछ हो गया ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें, लेकिन दिल भरा जा रहा है। आपने हमें बहू नहीं माना, बेटी नहीं माना, ना मानती, एक इंसान ही मान लेती। मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई पल्लवी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, आप लोगों ने जो कुछ भी किया, हम आप सबको माफ करते हैं। और आप सबसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बीते हुए कल को भूल जाते हैं और अपने इस घर को सजाते हैं, इसे स्वर्ग बनाते हैं। क्या आप लोग इस काम में हमारे साथ हैं? मैं हूँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ हैं पल्लवी, हम सच्चे मन से तुम्हारे साथ हैं पल्लवी। मम्मी जी, नहीं, कभी नहीं। जो नींव खुदा ही अपने घर को गिरा दे, ऐसी नींव पर दोबारा घर नहीं बनाया जाता है बहू। पापा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने मम्मी जी को कहकर ही कहा था, तो हम आपको पूरे सम्मान और आदर के साथ ये याद दिलाना चाहते हैं कि राम के वन में चले जाने के बाद जब कैकई को अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो राम के लिए सबसे ज्यादा आंसू भी उसी ने बहाए थे। और कहा भी जाता है कि पश्चाताप के आंसुओं में बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है, बशर्ते वो आंसू सच्चे हो। और हमें पूरा यकीन है कि मम्मी जी को अपने किए पर अफसोस है। हम मम्मी जी के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं। इन्हें एक और मौका दे दीजिए प्लीज, एक शर्त पे। पवित्रा की सच्चाई सबके सामने लाने में मम्मी हमारी हेल्प करेंगी। अन्ना, हम आपसे केवल सच का साथ निभाएंगे, कसम खा के कहते। पवित्रा का सच पूरी दुनिया के सामने हम लाएंगे।
मुबारक मुबारक है शादी मुबारक। आज शाम को तुमरे और हमरे बिटवा अर्नब की शादी होने वाली है। मतबल तुम हमरी होने वाली बहुरिया से हो चुकी बहुरिया होने वाली हो। हाँ, तुमको पता नहीं है आज की शाम जो है तुमरे जीवन के कितनी बड़ी शाम होने वाली है। थैंक यू मम्मी जी। वैसे शाम का इंतजार तो मुझे भी, आखिर मेरे जन्मों जन्मों की तपस्या का फल जो मुझे मिलने वाला। मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन पहले शांति पाठ निपटा ले, उसके बाद हम तुमका निपटाएंगे। हाँ निपटाएंगे, मतलब तैयारी करेंगे, तैयारी निपटाएंगे। तुमका सजा बनाना है, दुल्हे नहीं बनाना है। हाँ, लेकिन इस घर में शांति ये पाठ करने से नहीं आएगी, वो तो तब आएगी जब पल्लवी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। कभी नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। हाय हाय, ये भगवान का हो कर रहा है। हाँ, पल्लवी ने कोई नया तमाशा खड़ा किया होगा मम्मी जी, और क्या होगा। खोलो खोलो दरवाजा। ये तो लॉक है अंदर से। यहाँ है। पता नहीं कहाँ है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे पल्लवी, जवाब दो मेरा। तुमने मेरी फाइल कैसे टच की? कैसे टच की बताओ? हाथों से। और कैसे? आपकी हर चीज पर आधा हक बनता है हमारा, समझे आप? आधा हक बनता? तुम पागल वागल हो क्या? बहरी बहरी हो, समझ में नहीं आता है तुम्हें। कितनी बार बोलूं मैं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी बीवी। फाइल दो मुझे मेरी। नहीं रहेंगे, देंगे, जला देंगे, नदी में फाड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। तब तक जब तक आप हमें नहीं कह देते कि पल्लवी हाँ, सिर्फ तुम और तुम ही मेरी पत्नी हो। और सिर्फ इतना नहीं, उस पवित्र की भी चोटी पकड़ कर ना उसे घर से बाहर निकालना होगा आपको। देखो, मैंने कहा था ना कि इस लड़की की होते हुए इस घर में शांति कभी नहीं आ सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। ये शाम होने दो, देखना अम्मी का दूध का झूठ और पानी की नानी कैसे करते हैं। और ये पल्लवी के मुंह ना ही लगो। हाँ, अरे घर में शांति का पाठ रखा है और ये यहाँ अशांति फैला रही। ये कागज धोबी पछाड़ा नहीं तो अपना नाम बदले देवी शास्त्री ना। कौन है जो इतना भनभना रहा है? खोली दरवाजा, खोली। अभी जो भी हमारे सामने आएगा ना, वो ना हमारे हाथ से फिट जाएगा। पानी हमारे सिर से ऊपर जा चुका। आप शादी कर रहे हैं ना, करिए शादी। बैंड हम बजाएंगे। हमारे बैंड बजाने की बात करिए का ना मुराद कहे के अपनी सास पे हाथ उठाओगी। मम्मी जी, आप उसकी सास नहीं, आप मेरी होने वाली सास है। हा? हाँ, ये भी सही कहा तुमने। तो कपूच कौन हक से हम पे हाथ उठाएगी? अर्थम दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? दरवाजा खोलो। पवित्रा, ये मेरा मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो, मैं अपना पल्लवी को संभाल लूंगा। हाँ तो क्या कह रही थी तुम पल्लवी, मेरी फाइल को टच कैसे किया तुमने बताओ? आपके अलावा किसी और को हम अपना मैटर निपटाने भी नहीं देंगे। यही कह रहे थे कि आपको पवित्र को घर से बाहर निकालना होगा। मम्मी जी, हाँ? आपके पास इस कमरे की दूसरी चाबी है ना? दूसरी चाबी? हाँ है, होगी। हाँ तो बताइए ना कहाँ रखी है, मैं लेकर आती हूँ, अभी दरवाजा खोलती हूँ। चाबी वो है ना ऊपर, हमारा कमरा जो है वो है ना, वो बिस्तरा है के बगल में, वो है ना, मम्मी जी जल्दी बताइए ना। छोटी सी अलमारी है, वो जो है ऊपर का खाना नहीं, वो नीचे वाला नहीं, ऊपर वाले खाने में है। मैं लेकर आती हूँ, जल्दी जाओ जाओ। गुड गोइंग, बहुत मजा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं और इंटेंसिटी को भी थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। लिसन पल्लवी, सीरियस नोट पे ना आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं अपनी आगे की जिंदगी पवित्रा के साथ बिताना चाहता हूँ। और एक और बात सुन लो, अगर तुमसे पहले मैंने पवित्रा को देखा होता ना, तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं मैं। अच्छा, हमने आपको नहीं बुलाया था, आप खुद ही हमारे घर पर धमक पड़े थे अपने मम्मी पापा को लेकर कि मुझे यही लड़की चाहिए, वरना हमारे पास ना अच्छे अच्छे लड़कों की लाइन लगी पड़ी थी। और आपको क्या लगता है आज भी हमें लड़कों की कोई कमी आएगी? अगर ना ही आएगी तो काहे पीछे पड़ी हो हमरे बिटवा के? निकल जाओ की जिंदगी से, हमरी जिंदगी से, और जिसके साथ घुलछड़े उड़ाने उड़ाओ। ऐसे कैसे निकल जाए,
अपने बिटवा से हमें हमारा हक दिलवा दीजिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हक? तेरा कौन सा हक? इनके इस घर पर, इनकी पूरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर ना हमारा आधा हक बन, हमें वो दे दीजिए, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। देखा देखा अर्णव, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये पल्लवी तुमसे प्यार नहीं करती है, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसों के लालच में तुम्हारे पास आई। देख रही है मम्मी जी, कहा था ना मैंने? हाँ देख रहे हैं हम बिटिया, देख रहे हैं। आओ देते हैं हम तुमका तुम्हारा हक। मम्मी जी छोड़िए, वरना अच्छा नहीं होगा। आप कह रहे हैं छोड़िए मम्मी? मत छोड़ेगा मम्मी, इसे निकालिए इस लालची औरत को घर से बाहर। छोड़िए, जो पैसों के लिए वापस आई है। ये सच नहीं है, जब हम इस घर में आए थे तब हम पैसों के लालच में नहीं आए थे, आप सबके सामने ना इस पवित्र की सच्चाई बताने आए थे, लेकिन आप लोगों की आंखों के सामने तो जैसे पर्दा पड़ा हुआ है, तो हम ये क्यों अपनी जिंदगी में आग लगाए? हमें अपना हक दे दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। एक मिनट, मेरा सच कौन सा सच? तू कुछ साबित नहीं कर पाई पल्लवी, और तुझे यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, तो अब तो क्या करेगी? हम जान लेगी मेरी? हाँ लेंगे। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा पल्लवी। क्या करी, पागल हो गई तू? आइए इंस्पेक्टर, आइए। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की जो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, जीना हराम कर दिया इसने हमरा, और रात तो हद ही कर दी। हमारी होने वाली बहू को जान से मारने की कोशिश की है इसने, और वो भी आपके सामने। ले जाइए, अभी इससे पहले हम कुछ कर बैठे, ले जाइए इसे। औरत को नहीं, नहीं छोड़, छोड़ो हमें, छोड़ो, ये हमारे घर है, इसे कोई नहीं लेके जा सकता, छोड़ो हमें, छोड़ो। इट्स ओके पवित्रा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आज तुम्हें तुम्हारी चली गई हर चाल का बदला चाल से दिया जाएगा, धोखा देने वाला आज धोखा खाएगा, आज तुम्हारी जिंदगी की इस घटिया कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाएगा।